Agent Dharmendra is all set to introduce the Cobra Post reporter to another member of parliament, Hari Manchi. But not without a word of advice to his client. He tells the reporter that he can discuss anything with the MP except money. क्या पूछेंगे आप? मेरे को जानते हो थोड़े दिन से, ठीक है ना? ये चीज आपको ठीक, कोई दिक्कत नहीं? न्यू में थोड़ा दिक्कत होता है ना? हाँ, आपको ही जानते हैं और किसे जानते हैं? हाँ, नहीं आप मुझे जानते हो बहुत दिन से, ठीक है? और उनको 1.50 देना है। अच्छा, ठीक है। उसमें से थोड़ा मोड़ा उसका 10-20 रुपये फी रहेगा, बाकी सब रख लेगा, ठीक है? ये भी क्लियर है? नहीं, 1.5 लाख इसका MP का है। नहीं, उसी में सब कुछ है। फिर पीए को अलग? आपको मन होगा 2000 रुपये देने का दे दीजिएगा, लेकिन दे दीजिएगा उसको, 1500 रुपये दे दीजिएगा उसको, ऐसा नहीं कि उसको बुरा लगे। अब वो प्रॉपर रिकमेंडेशन, जो आना जाना है सब कुछ करें। अच्छा, चलो बात कर लेंगे। आप कुछ ऐसा, मैंने पहले बताया है कि इनको छोड़ के आप सब चीज़ जितना डिस्कस करना है सब करना, सब कुछ, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़। अच्छा, मेरे एम पी साहब 10 तारीख को आ रहे हैं। अच्छा, And so the Cobra Post reporter is led to Hari Manchi. Hari Manchi is a member of parliament elected from Gaya in Bihar, representing the Bharatiya Janata Party. In May 2009, Hari Manchi found himself in the middle of a controversy when a photograph in a daily vernacular showed him administering an injection to a patient. Quackery is a non-bailable criminal offence, and the issue had caused significant embarrassment to the state BJP. Our reporter meets the MP and reproduces his fictitious story about his fictitious company. ये कंपनी इसमें भारत सरकार में ये अप्लाई किया है, मेडिटेरियन ऑयलिंग करके है, इसका नाम है मेडिटेरियन ऑयलिंग। ये डिगिंग का काम करती है, खुदाई, तो खुदाई के लिए इन्होंने पूरा रिसर्च किया है ये सारा। ये डायमंड भी खोजती है, तेल भी खोजती है, डिगिंग खुदाई का मंजर जी जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सर प्रोजेक्ट निकाला है, उसमें किसी भी से ऑयल गैस सेक्टर हो, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हो, NGOs हो और कोई कंपनी हो, वो आवेदन कर सकती है। तो उसकी अनुशंसा रिकमेंडेशन, मतलब कि हमारी कंपनी फेवर में, कि ये कंपनी अच्छा काम करती है और इसको लाइसेंस के लिए देख लिया जाए, इस तरीके का एक चिट्ठी चाहिए हमको। Hari Manchi hears out the reporter's request for a recommendation letter and asks for the letter to be read out to him. Agent Dharmendra is quick to comply and has a draft ready for the BJP member. इसमें लिखे हैं कि आई नो द वर्किंग ऑफ द कंपनी, कंपनी काम करती है मैं जानता हूँ, सेटिस्फाइड भी हूँ मैं विद एफिशिएंसी, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसीडर माय प्रोवाइड, मैं मेरे मेरे फाउंडेशन को अनुशंसा करता हूँ, अनुशंसा को वो किया जाए, मेरी अनुशंसा को माना जाए। After getting the MP's instant approval for the letter, the reporter takes the opportunity to inform him about the other part of the deal. He will need Hari Manchi to personally accompany him for lobbying for the company. As expected, there was a resounding agreement, literally resounding. साथ में जाना होगा तो आपको जाना पड़ेगा साथ में, साथ में नहीं, साथ के साथ में। हाँ, कंपनी का एक कॉलेज भी है, साहब के सेक्रेटरी है और साहब के छोटे भाई भी है, साहब है आप तीनों आदमी है, जरूरत पे हम भी चलेंगे, हमारे साहब में लिखा हुआ रहेगा, हम भी चलेंगे साथ में, यही कर सकते हैं सर, हम लोग ज्यादा क्या कर देंगे।
having accomplished his task of getting the MP's approval for the recommendation letter as well as personal presence for endorsing his bogus company, there was just one task left for the reporter. He needs to ensure that Hari Manjhi was completely complicit in the cash transaction of 1,50,000 rupees that was to follow. The reporter requests for a private consult with Hari Manjhi, but the MP directs him to talk to his most trusted person, his brother Kamlesh. आप उसको कह दीजिए आप क्या भैया हैं सर। हाँ बोलिए। सर ये पूछना था कि मतलब जो भी पैसे का है वो किसको सबको करना मतलब कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मतलब ये जो जाने आने का है उसका थोड़ा सा कंफर्म करना चाहता था, उसका अलग से कुछ देना पड़ेगा ये। हाँ बताते हमको जो चीज़ आप कहना हो छोटा भाई कितना थोड़ा सा आइडिया दे देते हमने बताया तो लेवल 50-50 जी। छोटा भाई है ना जी जो बोलते हो आप उसी से आप और इसमें 1.5 लाख में कुछ कम करवा देंगे सर जी। हाँ बताइए भाई, इसीलिए तो पूछ रहा था सर आपसे। छोड़िए ना कर दे अभी आ जाओ उससे बात करवा के जल्दी Even Kamlesh will not talk money directly and further directs the reporter back to the agent saying, Abhi jao, usi se baat karo. After receiving the letter and paying 50,000 rupees to the agent, our reporter pays another visit to the BJP member. Watch the interaction between the reporter, Hari Manjhi and his brother Kamlesh. The reporter wanted to inform Hari Manjhi and Kamlesh that part of the payment has already been made and the balance will come in soon. What happened? What happened? Sir, I was here to someone. I was told to meet you. Yes. What happened? The phone was called. What happened to the phone? हाँ काम आगे बढ़ा है थोड़ा सा, ये था कि कंपनी की तरफ से थोड़ा सा पेमेंट में देर हो रही थी, हमने कहा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा बाकी पैसा थोड़ा सा सर हम बाद में दे देंगे। Kamlesh does a dumb charades with a finger on his lips when the reporter mentions money, but Hari Manjhi is pleased that the reporter has the ethics to show up for money. Apparently, unlike other people he has dealt with in the past. मंदिर मंदिर का आया हूँ तो थोड़ा आप ठीक है बहुत अच्छा होता है जी। थैंक यू बोल देंगे सर, ऐसे ही विश्वास होता है ना जी। ऐसे चला गया फिर आया नहीं जी, विश्वास खत्म हो जाता है। चिट्ठी लेंगे सर, अच्छी थी। A pleased Hari Manjhi is impressed with the reporter for showing up after getting the letter. He tells her reporter, ऐसे ही विश्वास होता है ना, एक चला गया फिर आया नहीं, विश्वास खत्म हो जाता है ऐसे। His brother Kamlesh is equally pleased but is curious about when the remainder of the money will be paid. बढ़िया तरीके से सर, कभी चलना होगा तो फिर कब फिर दोबारा आएंगे। हाँ काम करते ही हैं जी जी ठीक। हाँ ये दोनों सही ना सर। हम थोड़ा पैसा जो भी है ना 75,000 रुपये वो 75,000
5000 वो हम आपको दे देंगे। कल कल आते हैं मीटिंग में। कल ठीक है जी। Hari Manjhi may have escaped severe legal action when caught playing quack on the excuse of being ignorant of the law, but it doesn't take legal expertise to know the ramifications for a parliamentarian to accept cash for favors. And worse, endorsing a totally obscure company to the Ministry of Petroleum without any background check on the company's credentials leaves the country vulnerable to dubious foreign companies. Hari Manjhi is impressed with the reporter for paying up part of the money. His good feeling may not have lasted too long because the reporter did not go back to him with the balance amount after getting the letter.